तो नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। हम लोग अपने इस छठे सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि श्री कृष्ण जी द्वारा बोला गया कुछ शब्द है, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करती है। तो इस लाइन को हम लोग को अपने जीवन में उतारना है और इस शब्द को और लाइन को हम लोग को अपने विचार को शुद्ध करने में लगाना है। इस पूरे लाइन को हम लोग को याद रखना है। इसलिए कर्म करें, फल की चिंता ना करें। कर्म करेंगे तो भाग्य का निर्माण स्वयं हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने छठे सेशन को शुरू करते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीरीज रेजिस्टर कनेक्टेड विद द होल्डिंग कॉइल इन DC 4 पॉइंट स्टार्टर। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि DC 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी परिपथ का जो प्रतिरोध है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए हम ये स्टार्टर का एक मतलब कि स्टार्टर जो होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, उसमें उसमें लगे उपकरणों का, छोटे छोटे उपकरणों का बात किया गया है कि मान लीजिए कि ये जो होल्डिंग था, होल्डिंग मतलब कि कुछ होल्डिंग वाइंडिंग जो रहता है कुछ इस प्रकार से रहता है स्टार्टर में। तो इससे जो एक सीरीज में कनेक्टेड रहता है यहाँ पर रेसिस्टेंस, ठीक है, और ये ऊपर से जाके और भी थोड़ा सा कनेक्ट होकर और फिर ऐसे आकर ये कनेक्ट हो जाता है आगे जाकर। तो ये सीरीज में जो कनेक्टेड रहता है होल्डिंग करंट के ये रेसिस्टर, तो इसका काम क्या होता है तो हम बता देते हैं इसका काम क्या होता है आप लोग को। तो लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल होता है इसका मतलब कि ये क्या करता है, जो होल्डिंग करंट में, जो होल्डिंग कॉइल में जो इसका इसमें करंट पहुंचता है उस प्रतिरोध को क्या करता है, वो लिमिट करता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं अगर किसी भी उपकरण के पहले अगर रेसिस्टर लगा हुआ है तो वो क्या करता है, वहां पर करंट को थोड़ा सा लिमिट करता है, थोड़ा सा कम कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 की ओर चलते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कुछ इस प्रकार है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज टू इलेक्ट्रिक ट्रेन, फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसका जो गति नियंत्रक विधि में उपयोग करने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेन के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब कि कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर दिया हुआ है, तो डीसी सीरीज मोटर के बारे में हम लोग एक पॉइंट जान लेते हैं कि ये जो है बिना लोड पे नहीं चलाया जाता है, क्योंकि अगर इस बिना लोड पे इसको चलाएंगे तो मतलब कि इसका जो शुरुआती जो इसका जो घूर्णन होता है बिना लोड पे अगर हम लोग चलाएंगे तो बहुत तेज ही घूमने लगता है बिना लोड के। तो इसका जो यही पूछ रहा है कि आपको कौन सा इसमें मेथड का उपयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फील्ड डाइवर्टर मेथड। तो ये बहुत सारा मेथड है डीसी मतलब कि जो मशीन्स है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इसमें मेथड दिया हुआ रहता है। तो उसमें एक ये भी है फील्ड डाइवर्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं, वाई शंट फील्ड कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ होल्डिंग कॉइल इन DC 3 पॉइंट स्टार्टर। अब देखिए यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा मैच कर रहा है उसे कि जो शंट फील्ड कॉइल का DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कि DC 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग करंट के साथ सीरीज में क्यों जुड़ा हुआ रहता है। तो देखिए हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं 74 का पहले कि पूरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 74 का जो ऑप्शन दिया हुआ है ये देख लेते हैं, इंक्रीज द होल्डिंग कॉइल करंट, डिक्रीज द होल्डिंग करंट कॉइल करंट, प्रोटेक्ट द शंट फील्ड फ्रॉम ओवरलोड करंट, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपनिंग शंट फील्ड। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपनिंग शंट फील्ड। देखिएगा तब अगर मान लीजिए कि शंट जो है अगर उसका ओपन हो जाएगा, वो ओपन रहेगा अगर मतलब कि फुल्ली कनेक्टेड नहीं है, क्लोज नहीं है, ओपन रहेगा, तो उसको उससे बचाने के लिए क्या किया रहता है चीज का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं क्या कह रहा है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो देखिए व्हाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज ओनली बाय चेंजिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन ऑन अ डीसी कंपाउंड मोटर। देखिए डीसी कंपाउंड मोटर हम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं, कि उसमें क्या रहता है सीरीज और शंट दोनों एक ही में रहता है। तो बोल रहा है कि उसका हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, मतलब उसको उसका जो आर्मेचर का जो धारा रहता है उसको बदलकर हम लोग घूर्णन की दिशा केवल क्यों बदलते हैं। तो देखिए हम आप लोग को बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, मोटर विशेषता रहता है, उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है उसका घूर्णन का दिशा भी बदल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, विच स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफर बिलो नॉर्मल स्पीड स्पीड इन डीसी शंट मोटर। बोल रहा है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है। देखिए तो यहाँ पर मोटर डीसी मोटर में हम लोग बहुत सारा
ये पढ़े हैं। डीसी मोटर में हम लोग बहुत सारा कंट्रोल मेथड पढ़े हैं। हम आप लोग को बताए भी थे कंट्रोल जो मेथड है डीसी वही ड्राइव होता है, मतलब कि उसी को हम लोग ड्राइव करते हैं, या फिर वो एसी कंट्रोल मेथड हो या फिर वो डीसी कंट्रोल मेथड हो, सब क्या है ड्राइव है अपना, ठीक है। तो ड्राइव में भी बहुत सारा, एसी में बहुत सारा ड्राइव है, डीसी में भी बहुत सारा ड्राइव है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, सामान्य गति से। याद रखिएगा अगर यहाँ पूछा हम लोग को कि सामान्य गति से है, ठीक ना, सामान्य गति से अगर पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अभी फिलहाल याद रखिएगा अगर सामान्य दिया रहेगा तो सामान्य में मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 हो गया, 77 की ओर चलते हैं समय को न गवाते हुए। क्वेश्चन नंबर 77 77 देख लेते हैं क्या है। व्हाई स्टार्टर आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट डीसी मोटर इन इंडस्ट्री। बोल रहा है कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए या मशीन को हम लोग स्टार्ट करने के लिए, मोटर को हम लोग स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए हम आप लोग को बताते हैं कि जो छोटा सा याद रखिएगा इसको कि स्टार्टर का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि जो अधिकतर जो मोटर है इसमें उसका शुरुआती धारा मिलता है वो बहुत ज़्यादा ही मिलता है, ठीक ना, जिसके कारण क्या होता है शुरुआती घूर्ण बढ़ जाता है। तो शुरुआती धारा को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का उपयोग करते हैं। स्टार्टर क्या करता है भाई, तो शुरुआती जो धारा होता है उसको क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, मतलब कि वहाँ पर क्या करता है धारा को थोड़ा सा कम कर देता है, जिसके कारण क्या होता है फिर मोटर बढ़िया से चलने लगता है। तो शुरुआती जो धारा होता है उसको क्या करता है कम करता है, तो देख रिड्यूस द आर्मेचर करंट। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ था कि यार रिड्यूस द आर्मेचर करंट, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं क्या है। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, तो यहाँ पर करीब 6-7 क्लास दिया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग जब ये पूरा खत्म करेंगे थ्योरी, या फिर डीसी मोटर अगर हम लोग पूरा खत्म करेंगे तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे। 6-7 क्लास है उसका, मतलब क्लास ए क्लास बी का इंसुलेशन होता है कि कौन सा क्लास ए का इंसुलेशन है, कौन सा क्लास बी का इंसुलेशन है, और उसका टेम्परेचर मतलब उसका जो टेम्परेचर वैल्यू है वो कितना है, वो हम आप लोग को उस वीडियो में बता देंगे। अभी फिलहाल देखिए क्लास बी का जो इंसुलेशन होता है वो फाइबर ग्लास होता है, इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। फाइबर ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 पे हम लोग चलते हैं। 79 नंबर बोल रहा है श्रेणी इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। तो देखिए इन सभी में से श्रेणी इंसुलेशन का तापमान बताना है, तो सब उसका इंसुलेशन का तापमान होता है वो 155 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी ही हम आप लोग को बताए थे कि तापमान वैल्यू दिया हुआ रहता है, टेम्परेचर वैल्यू दिया हुआ रहता है, और क्लास ये सब दिया हुआ रहता है कौन सा क्लास में कौन सा इंसुलेशन आता है। तो वो हम आप लोग को वीडियो बना के इसमें अगला वीडियो में बता देंगे कि, या फिर याद करवा देंगे ट्रिक से थोड़ा सा, या फिर रिवाइज बार बार करवा देंगे ताकि वो याद रहे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 155 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। देखिए 79 नंबर हो गया, अब 80 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 की ओर चलते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव्स। तो देखिए कॉन्स्टेंट स्पीड ड्राइव्स के लिए हम लोग कौन सा मोटर का उपयोग करते हैं ये हम लोग को पूछ रहा है। तो हम आप लोग को बताए थे कि जो कॉन्स्टेंट फ्लक्स जिसमें मिलता था वो डीसी शंट मोटर होता था, और जहाँ कॉन्स्टेंट फ्लक्स होगा वहीं क्या होगा, कॉन्स्टेंट मेरा धारा मिलेगा, और कॉन्स्टेंट धारा मिलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट मोटर के रूप में उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज टू एलिवेटर। देखिए एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है, तो वही लिफ्ट का उपयोग हम लोग एलिवेटर में क्यों करते हैं, लिफ्ट का उपयोग में हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड का। तो इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो सुन लीजिएगा ध्यान से कि डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका जो विशेषता होता है वो इस प्रकार होता है कि अगर हम लोग को थोड़े समय के लिए और ज्यादा लोड को, मतलब कि ज्यादा लोड से डील करना है, थोड़ा सा समय के लिए ज्यादा लोड से डील करना है, तो हम लोग किस चीज का उसमें उपयोग करेंगे, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड का यूज करेंगे। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि इसमें फाइव एस एच और फाइव एस ई प्लस में रहता है। और बताएं अभी हम आप लोग को कि छोटे समय के लिए ज्यादा लोड का अगर हम लोग को डील करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज कर लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 81 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 82 क्या कह रहा है, 82 तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 82 कुछ इस प्रकार कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड इन डीसी सीरीज मोटर। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी
श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे, वहां पर था सामान्य गति, सामान्य गति था तो क्या था वहाँ, आर्मेचर कंट्रोल था, और यहाँ अगर बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, रेटेड गति से नीचे, ठीक है, यही दो चीज याद रखना, वहां सामान्य गति से रहा था तो कंट्रोल था, और यहाँ रेटेड गति से नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर रेटेड गति से नीचे रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड हो जाएगा, याद रहेगा, चलिए याद रहना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 देख ले, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग। अगर मान लीजिए कि अगर कोई मोटर चल रहा है, ठीक है, कोई भी मोटर चल रहा है और स्टार्टर को हम लोग क्या क्या कर एक एक बैग मतलब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस समय मेरा मोटर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे चलना चलने लगेगा। तो देखिए रन सेट स्लो स्पीड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 83 का बी। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग 84 की ओर चलते हैं, वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर। ठीक है, मोटर संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्या क्यों होती है, बोल रहा है कि कार्बन ब्रश का ही उपयोग हम लोग क्यों करते हैं आर्मेचर सर्किट में, बताना है आपको, ठीक ना। तो आर्मेचर मतलब ये उसका हम लोग स्पार्किंग कम हो जाए इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। देखिए स्पार्क को कम करने के लिए और भी, स्पार्किंग को कम करने के लिए और भी मेथड है, ठीक ना, कम्यूटेशन को जो मतलब कि सुधारने के लिए रहता है उसका और भी मेथड है, जैसे कि मान लीजिए इंटरपोल है तो इंटरपोल को हम लोग सीरीज में लगा देंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हम आप लोग को बताए थे कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इस प्रकार से होगा, जैसे कि ये है वाइंड, ये पोल दिया हुआ है, पोल दिया रहेगा बीच में आर्मेचर रहेगा, तो यहाँ पर देखिए जो किया हुआ रहता है यहाँ पर क्या रहता है, ये कंपनसेटिंग मतलब कि जो पोल फेस में जो किया हुआ रहता है वाइंडिंग उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं, ध्यान में रहेगा ना। तो ये सब को हम लोग आर्मेचर के सीरीज में लगा देंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कम्यूटेशन कम हो जाएगा, कम्यूटेशन कमेगा तो स्पार्क कम जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड, बोल रहा है सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलावर्ण और गति क्यों पैदा करती है। तो देखिए मोटर में भी ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये हम आप लोग को पिछले वीडियो में बात बता चुके थे, और उसी ईएमएफ बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है, देखिए उसी बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है कि सीरीज मोटर में विशेषता एक आ जाता है कि वो क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में, नो लोड स्पीड में, नो लोड के दौरान बहुत ज़्यादा स्पीड में वो घूमने लगता है, ध्यान रहेगा ना। तो बताना है कि बैक ईएमएफ के कारण, ठीक, हम लोग को ये याद रखना है। तो आज के लिए बस क्वेश्चन नंबर 85 तक ही रखते हैं, 86 से लेकर क्वेश्चन नंबर तक से हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, आज का जो छठा सेशन है, आज छठा सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम लोग को अगर डीसी मोटर फिर खत्म होगा, अगर नहीं खत्म होगा तो फिर जनरेटर का और मोटर का दोनों का हम लोग एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे, हम तो नहीं करवाएंगे, आप लोग को बोल रहे हैं कि एक बार फिर से हम लोग मिल के रिवीजन कर लेंगे एक बार फिर से, ताकि मतलब जो सीबीटी एग्जाम में हो जितना भी डीसी जनरेटर और मोटर से क्वेश्चन आए सारा हम लोग से क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है। तो फिलहाल हम आप लोग से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।